राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध मुगल गार्डन आम लोगों के लिए मंगलवार को खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार 5 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद मंगलवार 6 फरवरी को इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अशोक मलिक ने कहा कि गार्डन को लोगों के लिए 6 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोला जाएगा। हालांकि रखरखाव संबंधित कार्यों के चलते इस बीच हर एक सोमवार और 2 मार्च को होली के मौके पर गार्डन बंद रहेगा। उन्होंने कहा राष्ट्रपति भवन में सोमवार को राष्ट्रपति कोविंद वार्षिक बागवानी महोत्सव उद्यानोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस बार विभिन्न रंगों वाले लगभग 10,000 ट्यूलिप बल्ब नीदरलैंड से मंगाए गए हैं, जो इस साल के महोत्सव का आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। इस बार मुगल गार्डन में 135 प्रकार के गुलाबों के अलावा 70 किस्म के मौसमी फूल भी रहेंगे। मुगल गार्डन को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दुर्लभ किस्म के फूलों और पौधों का प्रदर्शन किया जाता है। इस कारण दुनिया भर में मुगल गार्डन आकर्षण का केंद्र बना रहता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।